जंतर मंतर दिल्ली की वीडियो देख रहा था, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जैनों में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में ऐसे स्लोगन लगे हैं कि ब्राह्मण्स इंडिया से निकल जाओ, क्विट इंडिया वगैरह वगैरह। अब ये ब्राह्मण को क्यों टारगेट किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ब्राह्मण वैदिक समाज में चार वर्ण होते हैं। एक वर्ण तो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा के मुंह से, ब्रह्मा खुदा है, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ। अब ब्रह्मा का जाति जेंडर जो है वो मर्द है। जो इनके एंटी ब्रह्मा लोग होते हैं वो सवाल करते हैं कि औरत और मर्द के मिलाप से ही बच्चा पैदा होता है, किसी मर्द ने, पुरुष ने तो आज तक बच्चा पैदा नहीं किया, फिर ब्रह्मा ने मुंह से कैसे बच्चा पैदा किया। चलें, एक बात हो गई। उसके बाजुओं से शमशीर जन पैदा हुए यानी खत्री, और पेट से वैश पैदा हुए यानी बड़े तुजार और बड़े जमींदार, और पैरों से मजदूर और किसान और बे जमीन किसान वगैरह। तो जो पेट से पैदा हुआ वो तो वेश हो गया, और जो पैरों से पैदा हुआ वो शूद्र हो गया। शूद्र के भी इनकी क्लासिफिकेशन है। बाद शूद्र जो है वो तो इतना तो अलाउ है कि टेंपल में उस हद तक आ सकते हैं। ब्राह्मण जो माली होते हैं, फूल लेके बागा से आते हैं, तो भगवानों के चरणों में डालने के लिए मंदिर में किसी हद तक आने की इजाजत है। लेकिन बाज ऐसे हैं जिनसे सिर्फ काम लिया जाता है, मसलन झाड़ू सफाई करने वाले, ये तो पूजा के लिए मंदिर में भी नहीं आ सकते। ये ब्राह्मणों के मंदिर से बाहर से खड़े होकर अपनी पूजा कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने कई दफा सुना कि इनको मंदिर भी बना के दिए हैं निचले समाज के लोगों को, दलितों को, लेकिन ये उन मंदिरों में नहीं जाते। वे हिर फिर के अपने 3,000 साल वैदिक गुलामी कबूल करते हुए पंडितों के ही मंदिर में जाते हैं। पंडित जो पूजा पाठ कराने का जो अधिकार रखता है वो ब्राह्मण ही होता है। गो दलित और दूसरे बुद्ध वगैरह कोशिश कर रहे हैं कि आप मंदिर की ये दान पेटी जो है उसकी चाबी अपने पास रखें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में, जैसे अभी इन्होंने भारत का नाम दिया, पहले ही भारत कहलाता था, तो इसमें 80% दौलत तीन तीन जातों के पास है, ब्राह्मण, खत्री और वैश्य। बाकी शूद्र और निचला तबका, निचले तबके में ओबीसी वगैरह, जैसे मोदी वजीर आजम है, लेकिन ये नॉमिनेटेड वजीर आजम है, इसको ऊंची जात के लोगों ने नॉमिनेट किया है वजीर आजम, या सदर है, लेकिन सदर भी इनकी जो खातून है वो भी नॉमिनेटेड है। ये इनको दलितों ने या शूद्रों ने नॉमिनेट नहीं किया है, इनकी ऊंची जात वालों, जैसा कि डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में एक अकलियत जो दौलतमंद होती है वो जमहूरियत को चलाती है। मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए दौलतमंद तबका, ताजिर, जमींदार, जागीरदार, ये सारा इनके पास वसाइल होते हैं। यही अपनी पार्टियां बनाते हैं, यही अपनी पार्टियों के लोग नामजद करते हैं, इन्हीं पार्टियों के वजीर आजम और सदर होते हैं।
और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में, थ्रू आउट दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ धन और दौलत है। जैसे अमेरिका भी है, अमेरिका में इतना बड़ा मुल्क है, वो मुल्क तो नहीं है, वो एक कॉन्टिनेंट है, तो उस कॉन्टिनेंट में इलेक्शन लड़ना कोई मजाक नहीं है, पार्टी चलाना भी कोई मजाक नहीं है, इतना अखराजात है। जाहिर है कि जो धन वाले हैं, दौलत वाले हैं, वो पार्टी को खरीद लेते हैं, हत्ता के कांग्रेस के मेंबरान भी उनके होते हैं, वो उनको डोनेशन देते हैं। अब जब तक पार्टियों के डोनेशन पे पाबंदी नहीं होगी, तब तक जमहूरी निज़ाम उभरने से रहा। इसी तरह हम देखते हैं हिंदुस्तान में दौलत तो है ब्राह्मण के पास और खत्रियों राजपूतों और इनके पास और तजार के पास, तो इनके साथ इलेक्शन में कैसे ये तीनों तबके मिलके 16% है, 14% जो है इनका शुद्र समाज है, जिसमें से ओबीसी बड़ी क्लास है, लेकिन ओबीसी इनकी अदबख्त है, वो इसी बात में खुश है कि उसको जो हजारों साल से गुलाम बना के रखा गया है, वेदों में उसकी जो पोजीशन कमजोर रखी गई, वो उससे खुश है। उसकी एक अच्छी मिसाल हमारे नरेंद्र मोदी है। अब मैं बात कर रहा था कि जनू में एक क्यों नारा निकला कि क्विट इंडिया, बर्मन हिंदुस्तान छोड़ो, वजह ऐसी क्या पेश आ गई? ये ऐसी थी कि इनकी ब्राह्मणों की लिखी हुई किताबें हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि वो अंग्रेजों की खुशामद में कहते थे कि आप भी आ रही हैं, हम भी आ रही हैं, आप भी यूरोप से आए हैं, हम भी यूरोप से आए हैं, तो हम तो कजिन हुए ना। तो अंग्रेजों का जो भी पीरियड रहा 100 साल का, जिसमें 90 साल के समझ लें या 100 साल के समझ लें, जो हुकूमत रही बराह रास्त 1857 के बाद 1947 तक, इस 90 साल दौर में तो ये हद से पड़े हुए थे। ये तो हुकूमत इंग्लिशिया को यही कहते थे कि आप तो हम कजिन हैं, ना हम यहाँ के असली बाशिंदे हैं, ना आप यहाँ के असली बाशिंदे हैं। लेकिन एक चमत्कार हो गया इंग्लिस्तान में 1920 में, जब ये तय किया गया कि अंदर से इलेक्शन में हर शख्स का वोट होगा, ख्वाह गरीब हो ख्वाह अनपढ़ हो। जायदाद की शिकी ख़त्म कर दी गई, तालीमी सनत की ख़त्म कर दी गई, तो बरतानिया का हर शख्स, ख्वाह गरीब अमीर, सबको एक वोट का हक हासिल हो गया। इनके इधर कान खड़े हो गए ब्राह्मणों के। बहरहाल पढ़ा लिखा तबका था, इन्होंने सदियों से यहाँ की अक्सरती आवाम को लिखने पढ़ने के हकूक से महरूम कर रखा था। ऐसी ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं, जैसा कि शंभू की कहानी है, उसका अंगूठा काट दिया गया था, लिखना पढ़ना क्यों सीखा, वो एक शूद्र होकर, वगैरह वगैरह, काटा भी अंगूठा राम ने। लेकिन ये ब्राह्मण बड़े उस्तादी के साथ, राम चूंकि खत्री था, आखिर में उसको भी दिखा दिया कि लोगों के तंज और ताने से तंग आके उसकी बीवी सीता ने जमीन में धस गई, दुआ की कि मुझे राम की बेवफाई से नजात दे, उसके शकों के शुबा से। दूसरी तरफ राम इतना बहादुर आदमी, जो श्रीलंका में लड़ता रहा, उसने भी दरिया में कूद के खुदकशी कर ली। अब बताओ, भगवान भी कभी खुदकशी, भगवान खुदकशी करते हैं? लेकिन ये तो कलम तो ब्राह्मणों के हाथ में था। रामायण इसी तरह लिखी है कि आखिर श्री राम जी ने खुदकशी कर दी। दूसरे अल्फाज में, खत्रियों का रुतबा ब्राह्मणों से कम दिखाया, और यही इनका मकसद था लिखने का। जैसे हनुमान बहुत बड़े दलित, मुकामी दलित थे, उन्होंने मदद की, लेकिन उनको बंदर की शक्ल में पेश किया कि मुकामी आदमियों को, तो उन्होंने शूद्र के खिताब दिया था जो असली हिंदुस्तानी थे।
बाकी इनका काफिला जो आया था चरवाहों का, तो तीन पोजीशन में अपनी चले गए, चौथी उन्होंने मुकामी लोगों को शुद्र करा दिया था। अब मैं आ रहा हूँ 1920 के बाद क्या हुआ, तो पंडितों के कान खड़े हो गए कि उन्होंने कहा ओहो ये तो क्या हो रहा है कि अब हिंदुस्तान में भी जाहिर है कि सिस्टम आ जाएगा एक वोट का, एक आदमी एक वोट, कोई जायदाद नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने देख लें कि इस तैयारी शुरू कर दी और 1925 में आरएसएस भी बना दी, पंडितों की तंजीम। आज भी हिंदुस्तान में 6 बड़ी नेशनलिस्ट पार्टियां हैं। इन 6 बड़ी नेशनलिस्ट पार्टियों उनको कहते हैं जिनके 100 अराकीन जो सेंट्रल असेंबली में पहुंचे हो, उसके जितनी टॉप लीडरशिप हो वो सारी ब्राह्मण है, चाहे राजीव गांधी की कांग्रेस हो, चाहे आरएसएस की भाजपा पार्टी हो या बंगाल की, सब ब्राह्मण इसमें बैठे हुए हैं, 6 के 6 पार्टियों में, इवन कम्युनिस्ट पार्टियों में भी यही बैठे हुए हैं ब्राह्मण। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 97% यही हैं। फौज का नज्म व नस्ब तो इन्होंने ऐसा कर दिया था कि डिग्रेड कर दिया था, नेहरू ने आते ही फौज की तनख्वाहें सिविल अफसरान से, सिविल मुलाजमीन से कम कर दी थी, मार्शल रेस के जो कौमें थी उनको हटा के आम जनरल भर्ती कर दी थी। वो सब इस मकसद ये था कि किसी तरह खत्रियों का जोर तोड़ा जाए, और उसमें काफी कामयाब रहे। अब हम आते हैं इसकी तरफ। अब जब ये इन्होंने बना लिया ब्राह्मणों ने, अब ये कैसे कहें, इससे पहले आप 1920 से पहले का लिटरेचर उठा के ब्राह्मणों का देख लें, इसमें इन्होंने कभी नहीं अपने आप को हिंदुस्तानी घोषित किया। ये हमेशा इसी बात पे सवाल करते रहे कि वो गैर मुल्की है, यूरोपियन है, स्वास्तिका का निशान लगाते हैं, घरों पे भी इनका पैन सबूत है, वो कहते थे हम है ही हैं। लेकिन इसके बाद ये अपने आप को हिंदू घोषित करने लगे, अब ये हिंदू बन गए, वरना पहले हिंदुओं से इनका कोई नहीं था, हम हिंदू नहीं है कहते थे खुलेआम, अब हिंदू बन गए। हिंदू बन जाना तो खैर आसान है, लेकिन फिर उसको क्या किया जाए कि एक दलित लड़का अम्बेडकर किसी न किसी तरह असेंबली में पहुंच गया, पढ़ा लिखा था, और उसने हिंदुस्तान का जो आईन बनाया, कोशिश से उन्होंने बहुत की गांधी ने और नेहरू ने कि अंबेडकर को इलेक्शन जीतने ना दें। इलेक्शन भी हुई तो अंबेडकर का जो सीट दी थी वो बाद में वो इलाका काट के मशरकी पाकिस्तान से मिला दिया गया, यानी इसको बगैर किसी वोट बेस के रख दिया गया कि कोई हरकत हो असेंबली से इसको निकाल दें, फिर अंदर ना आ सके दोबारा अंबेडकर। अंबेडकर ने सिर्फ यही कहा कि भाई डेमोक्रेसी में एक अक्सरियत कैसे एक नाम से हुकूमत कर सकती है, ब्राह्मण हिंदू के नाम से। उसने कहा हिंदू लफ्ज तो ये ईरानियों का दिया हुआ, जो कदीम जमाने से इनको हिंदी कहते थे या काला कहते थे या काला आदमी जगह चोर उचक्के की मानों में भी इस्तेमाल होता था, बुजदिल के मानों में भी इस्तेमाल होता था, ये कहते थे ये हम, ये हिंदू का लफ्ज अब इन्होंने लेना शुरू कर दिया, कैसा हम सब हिंदू हैं, क्यों एक शख्स एक वोट था, अब तो जो शुदर क्लास थी उसको ताकत पकड़नी थी। अंबेडकर ने कहा कि हाँ हमारा हल्का इंतखाब शुदरों को सिर्फ शुदर मुंतखब करेंगे, शुदर तो फिर 84% है। और सबसे बड़ी इनमें जो बड़ी जो संख्या है वो इसकी है ओबीसी क्लास की है, शेड्यूल कास्ट वगैरह और दूसरे भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बंजारे वगैरह बहुत सारे आते हैं,
अभी पिछले दिनों जो पाकिस्तान से लड़की, बलोच लड़की भागी है अपने बच्चों को लेकर, तो वहाँ पे जिस सचन से पहुंची, तो शेड्यूल कास्ट का है और शेड्यूल ट्राइब का है, आदिवासी है, यानी इनके यहाँ घटिया तरीन कास्ट में शुमार होती है हिंदू वैदिक लॉ के तहत और आम हिंदू आवाम के तहत। तो इनके नजर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी शुद्र था और शुद्रों में गिरे हुए शुद्र यानी आदिवासी में से था। तो आपने देखा कि खास हिंदुओं ने मामला नहीं किया, बल्कि वो शो करते रह गए कि मुसलमान लड़की आ गई है वगैरह वगैरह। बहरहाल ऐसी इन बातों को बताने का मेरा मकसद ये है कि अब इनको हिंदुओं को साथ रखना था, लेकिन हिंदुओं को साथ रखते हैं तो फिर तो हिंदू असेंबली में पहुंचेंगे सबसे ज्यादा, कौन? शुदर क्लास। जज भी सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में शुदर पहुंचेंगे, इंतजामिया में शुदर पहुंचेंगे। गिनती के ये 16% है और ब्राह्मण तो 4% है, तो ये क्या बचेंगे? ये तो कुछ नहीं बचेंगे। असली डेमोक्रेसी थी ये होती थी हिंदुस्तान में, होनी चाहिए थी कि अक्सरियत जो था उसको दिया जाए, लेकिन अक्सरियत को हिंदू कहकर अक्लियत ने हुकूमत बना दी हिंदुस्तान में। अब इसी तरह देखें, सिख हैं, सिख एक अलग धर्म है, सिख खुदाए वाहिद पे यकीन करते हैं और सिख बुतों की पूजा नहीं करते। सिख मुख्तलिफ हैं इनसे। हिंदू मत तो जिस तरह कदीम जमाने के यूरोपियन मजहब थे, जिन्होंने बुत परस्त मजहब थे, जिन्होंने रोमनों को तबाह किया। रोमनों को तबाह तो कोई ईसाइयों ने तो किया नहीं था, रोमनों को तबाह वेंडल, जर्मन और इंग्लिस्तान के जो मुख्तलिफ कबायल थे जो बुत परस्त थे, और जिनमें से अक्सर हमने नाम भी वहीं से लिए। मिसाल के तौर पे इन बुत परस्त कबायल के, यूरोपियन कबायल के, वेनिस जगह दिन ही उन्हीं के नाम पे रखा हुआ, वार का देवता का दिन था, फ्राइडे लव का देवता का नाम था। इसी तरह सैटरडे या सैटर्न जो ग्रीक मिथोलॉजी का देवता था। तो इनके सारे वो कबायल थे जो जिन्होंने रोमन तहजीब को आखिर, रोमन भी बुत परस्त थे लेकिन रोमन तहजीब को खत्म किया था इन्हीं कबायल ने। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आस्ता आस्ता जब बढ़ी है, तो क्रिश्चियनिटी ने फिर वहां पे यूरोप में आप देख लें कि बुत परस्त कबायल को रहने नहीं दिया, किसी एक को भी, सबको जोर जबरदस्ती से इन्होंने क्रिश्चियन कर लिया, चाहे नॉर्वे हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बर्तानिया, कोई नहीं बचा। इस्लाम जब आया, इस्लाम ने मिडिल ईस्ट के बाद जहां जहां गया उसने किसी के मजहब से तारुज नहीं किया, हिंदुस्तान में भी नहीं किया, इंडोनेशिया में भी नहीं किया, दुनिया में कहीं भी नहीं किया। साथ कोई सबूत दे दें कि उन्होंने कहा कि धर्म में तो बगैर मर्जी के लाने ही मना है, सख्त गुनाह की बात है किसी को मजहब पे जबरन कन्वर्ट किया जाए। अल्लाह ताला तो दिलों को देखता है, जब मुसलमान रोजा रखता है तो दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं रखता, वो मुंह से कह सकता है कि मैं रोजों से हूं और हकीकत में रोजा ना हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुसलमान तो उसी वक्त कहेगा कि मैं रोजे से हूँ अगर पूछा जाएगा, तो बताएगा कि मैं रोजे से हूँ या बता देगा कि नहीं हूँ, वजह मजबूरी जो भी हो। अब इन्होंने आरएसएस तंजीम बनाई, अब कांग्रेस है या अपने ये बीजेपी है, ये दोनों ही ब्राह्मणों की जमात है। अब दो दो टर्न दोनों हुकूमत कर रहे हैं, तो गांधी साहब ने किया, 2024 में फैसला हो जाता है कि अभी तीसरा टर्न बढ़ता है नहीं,
और ये ईवीएम मशीन में ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ताकि फ्रॉड करने में आसानी हो। जैसा कि हमने पाकिस्तान में देखा था कि 2018 में इमरान खान ने फ्रॉड करके अपने मुरब्बी जनरलों फैज हमीद और वाजवा साहब की मेहनत से कई घंटे तक, 12 घंटे तक आरटीए सिस्टम को बैठा कर इलेक्शन जीता। वही चाहते हैं कि ईवीएम में आए, जो ईवीएम सिस्टम तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका बशमूल में नहीं है, वो ला के ताकि आराम से मेजॉरिटी पे जो अकलियत, मेजॉरिटी पे जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास वसायल नहीं है, उनके हुकूमत की जा सके। दोनों जमातें कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, मकसद यही है इन अकलियत वालों का कि अक्सरियत पे हुकूमत बनाए रखें। और ये हर जगह, हर जमहूरियत में आप देख लें, पैसे वाले पीछे बैठे हुए हैं और असम्बली में उनके नुमाइंदे, वज़ीर आज़म उनका, कैबिनेट उनकी। आपको महसूस नहीं होगा कि ये कोई है। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका में सुना है कि हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, लेकिन इसराइल में है। उसके लिए अमेरिका एक खसूसी मद में इसराइल को पैसे देता है, अपने आवाम पर टैक्स लगा के, इनको फ्री ऑफ हेल्थ केयर रखा जाए। तो पैसों वालों की जो मर्जी, जो पैसे वाले ग्रुप होते हैं, वो हुकूमतों से हर चीज मंगवा लेते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ये यूरोप हो पूरा। अब हम देखते हैं खालिस्तान में, खालिस्तान को, खालिस्तान का मतलब वही है जो पाकिस्तान का मतलब है, दोनों फारसी शब्द हैं और दोनों के माने एक हैं। मुसलमानों ने तो अपना मुल्क अलग बना लिया, क्योंकि 16 अकवाम को मौका दिया था हिंदुस्तान के अंग्रेज ने कि अपना बना लें, लेकिन इसमें से सिख जो थे, अफसोस ये कि 1% थे, और जाहिर है कि हिंदू इनकी मदद क्यों करते। हिंदू ने तो इनकी जबान के मसले पे मदद नहीं की थी, जब जबान नाफिज की थी अंग्रेज ने 1849 में, के पंजाबी हो या क्या, तो मुसलमान ने कहा उर्दू, सिख ने कहा पंजाबी, लेकिन जो पंजाबी स्पीकिंग हिंदू था उसने कहा नहीं हिंदी, हरियाणा वालों, फिर बाद में अपनी रियासत भी अलग कर ली। तो इस मजहब की बुनियाद पे हिंदुओं ने किया। अच्छा, सिखों का मसला यह है कि सिख एक जिंदा कौम है, अब उसका जो भी है, अगर वो अकलियत में भी है, लेकिन वो एक हक राय दही तो रखती है कि उसका मुल्क अलग हो हिंदुस्तान में। और बड़े सगीर में तो मिसाल कायम हो चुकी है, पहले पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, अब तीसरा भी मुल्क बन जाए, चौथा भी मुल्क बन जाए, क्योंकि ब्राह्मणों की बस की बात नहीं है कि इतने बड़े मुल्क को चला सके। वो ये मुंह से कहते हैं हम जातिवाद के नहीं है, लेकिन जातिवाद के बगैर फिर हिंदुइज्म है क्या? हिंदुइज्म खालिस्तन जिस तरह बुत परस्त मजाहब होते हैं, सिर्फ अभी और आज पे भरोसा करता है, टुडे एंड नाउ, टुमारो तो इनके यहाँ है ही नहीं है। जैसे ईसाइयत में है कि जितना भी आपको नेक काम को अजर है वो आखिरत मिलेगा, इसी तरह यहूदियत में अजर जो है नेक काम का आखिरत मिलेगा। जितने भी ये मजाहब हैं, सामी मजाहब जो हैं, गैर सामी मजाहब में इनमें तो तुम्हारों को तसव्वुर नहीं है जो कुछ है आज है। इनका री इनकारनेशन या जोन बदलने का जो कंसेप्ट है, उसका मतलब भी यही है कि फिर भी फिर के मच्छर या
शेर या इंसान दोबारा बन के इसी दुनिया में आएंगे, इसी दुनिया में जहाँ से गए थे। जैसे ही शुद्रों कहते हैं, तुम अगर दलित रहोगे, झाड़ू दोगे, खिदमत करोगे ब्राह्मण की जी जान से, तो हो सकता है कि अगले जन्म में जब मर के जिंदा होगे तो तुम ब्राह्मण बन जाओ, ये अजर है। और ये भी ब्राह्मण को है कि ब्राह्मण ने अगर अच्छे काम नहीं किए तो मर जाके फिर वो सांप बिच्छू पैदा हो बन सकता है। लेकिन आना उनको इसी दुनिया में है। आखिरत का तस्वर हिंदू मत में या बुद्ध मत में या किसी भी बुद्ध परस्त मजहब में नहीं है। ये टुडे के और अभी के कायल हैं, जबकि सामी मजहब जो है वो कल के कायल हैं। सामी मजहब में यहूदियत है, इस्लाम है, ईसाइयत है। ये फलसफा फिक्र का नाम है। इस वक्त जो ब्राह्मण जो है, क्योंकि इसके पास सारे वसायल हैं, इसके बावजूद ये बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है कि शूद्र तबके में बहुत वो पैदा हो गई है। हिंदुस्तान के मुसलमान को तो ये इनके लिए बड़ा आसान है कि कह देते हैं कि पाकिस्तान जाओ, या उनको कह देते हैं कि आप दहशतगर्द हो वगैरह वगैरह। वो तो आसान है, जिसमें इनको इतना ज़मीर को मलामत करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इन सिखों का क्या किया जाए, इन आदिवासियों, शेड्यूल कास्ट, दलितों और ओबीसी जो मेजॉरिटी है, वो तो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। वो हिंदुइज्म पे तो मुतमईन नहीं होगी, क्योंकि हिंदू मजहब जो है शूद्रों को वही कुछ देगा जो मनुस्मृति में लिखा है। आरएसएस आज भी दावा है कि वो मनुस्मृति ला नाफिस करेगी, और मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र के कमर पे झाड़ू बंधा होगा, गले में थूकदान होगा ताकि जमीन पे न थूके, अपने थूकदान में थूके। इस कैफियत के साथ उसको हिंदू राष्ट्रिया में रहना होगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।